नमस्कार एंड हेलो, आप देख रहे हैं फिल्मी खबरों से जुड़ा हमारा खास शो बॉलीवुड गपशप। मैं हूं आपके साथ काजू। तो चलिए शुरू करते हैं बॉलीवुड गपशप। सोशल मीडिया पर बीते काफी दिनों से रणबीर कपूर का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें छोटे नन्हे बच्चे के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो पर दर्शकों का भरपूर प्यार देखने को मिला है। रणबीर कपूर के चाहने वाले भी इस वीडियो को जमकर शेयर करने में लगे हैं। तो ये पहली बार इस वीडियो पर रणबीर कपूर की मिसेज का रिएक्शन सामने आया है। जी हाँ, इस वीडियो को अपने इंस्टा स्टोरी पर पोस्ट करते हुए आलिया भट्ट ने अपने जज्बात शेयर किए हैं। जिस तरह रणबीर कपूर को नन्हे से बच्चे के साथ खेलता हुआ देख लाखों लड़कियां उनको प्यार भरी निगाहों से देख रही हैं, तो वहीं मिसेस कपूर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, ओके दिस वीडियो इज फुल वाइब्स। साथ ही आलिया भट्ट ने इस वीडियो पर रोने वाले इमेज भी शेयर किए हैं। आलिया भट्ट के रिएक्शन के बाद सबकी निगाहें इस पावर कपल की ओर मुड़ गई हैं और फैंस ने आलिया भट्ट से एक नई मांग भी कर डाली है। जी हाँ, रणबीर कपूर की इस वीडियो पर हमें कई कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, जिसमें फैंस आलिया से जल्द मां बनने की गुजारिश करते दिख रहे हैं। रणबीर कपूर को बच्चों से कितना लगाव है, इस बात की खबर तो आपको है ही। ऐसे में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के नन्हे बच्चे को देखने के फैंस अभी से बेकरार हुए जा रहे हैं और जल्द ही आरके और आलिया से बेबी पर सोच विचार करने के लिए कहते दिख रहे हैं। बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान के आलिशान घर मन्नत के बारे में चर्चा काफी रहती है। पठान मूवी के सुपरस्टार शाहरुख की तरह उनका शानदार घर बेहद उमदा है। हजारों की संख्या में फैंस का जमावड़ा अक्सर शाहरुख के बंगले मन्नत के बाहर लगा रहता है, या ये कह लीजिए कि फैंस के लिए मन्नत घर कम, टूरिस्ट पॉइंट ज्यादा है। लेकिन शाहरुख के घर मन्नत को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके तहत उनके घर की 25 लाख रुपए की कीमत वाली नेम प्लेट गायब हो गई है। जी हाँ, सही सुना आपने, 25 लाख की नेम प्लेट। हिंदी सिनेमा जगत के बादशाह शाहरुख खान का आलीशान बंगला मुंबई के बांद्रा बैंड स्टैंड पर मौजूद है। किंग खान के एक झलक पाने के लिए फैंस भारी संख्या में उनके घर मन्नत के बाहर हमेशा मौजूद रहते हैं। ऐसे में फैंस ने हाल ही में ये नोटिस किया कि शाहरुख के बंगले के बाहर लगी मन्नत नाम की नेम प्लेट गायब हो गई। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर चारों तरफ इस बात की चर्चा गर्म होने लगी कि आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी जो आरके के बंगले की नाम प्लेट को हटाना पड़ा। बता दें कि कुछ दिन पहले ही मन्नत पर इस 25 लाख रुपए की कीमत वाली नई नेम प्लेट को लगाया गया था। शाहरुख खान के घर मन्नत से अचानक से गायब हुई नेम प्लेट को लेकर कई मीडिया रिपोर्ट से दावा कर रही हैं कि उनके घर पर फिलहाल मरम्मत का काम जारी है, जिसकी वजह से नेम प्लेट को कुछ समय के लिए हटा दिया गया। बॉलीवुड के मशहूर निर्माता निर्देशक करण जौहर ने 25 मई को अपना 50वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया। इस मौके पर तमाम बॉलीवुड सितारों ने शिरकत की। पार्टी की तमाम फोटोज वीडियो सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। अब बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने भी इस पार्टी की एक फोटो शेयर की है, जिसे देखने के बाद फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है। इस फोटो में शाहरुख खान और सलमान खान एक साथ नजर आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये फोटो इसलिए इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कि धक धक गर्ल इसे शेयर कर देती हैं। डॉक्टर श्रीराम ने इसे सेल्फी को ले रहे हैं, जिसमें शाहरुख सलमान के साथ गौरी खान और माधुरी दीक्षित नजर आ रही हैं। सलमान खान और शाहरुख खान को एक साथ फोटो में देखकर फैंस तरह तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं। एक यूजर ने तो कमेंट करते हुए लिख दिया, किंग खान के साथ भाईजान। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, आइकॉनिक फोटो। भोजपुरी जगत यानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री का जाना माना नाम मोनालिसा आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। सोशल मीडिया से लेकर छोटे पर्दे तक और छोटे पर्दे से लेकर भोजपुरी जगत तक सिर्फ और सिर्फ मोनालिसा के ठुमकों की ही धूम मची रहती है। हाल ही में मोनालिसा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की है, जिसमें मोनालिसा कार्तिक आर्यन की धुन पर झूमती हुई नजर आ रही है। मोनालिसा का जबरदस्त डांस फैंस को दीवाना बनाने में कामयाब रहा। मोनालिसा की वीडियो देखकर तो यही लग रहा है कि मोनालिसा लंबे वक्त से इस गाने पर रील बनाना चाहती थी। मोनालिसा ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, फाइनली दिस वन। सोशल मीडिया पर मोनालिसा की छोटी छोटी वीडियोस अक्सर वायरल होती रहती हैं। मोनालिसा के लटके झटकों को देख फैंस काफी पसंद करते हैं। उनकी कातिल अदाएं और उनकी कजरारी आंखें फैंस को घायल करने में हमेशा से ही कामयाब रही हैं। इस बात का फायदा उठाते हुए मोनालिसा अपने चाहने वालों के लिए ऐसी धमाकेदार वीडियो शेयर करते हुए उनका दिल जीत लेती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने हाल ही में दावा किया है कि हॉलीवुड स्टार लियोनार्डो डिकैप्रियो ने उन्हें कांस 2022 में टैलेंटेड एक्ट्रेस कहकर बधाई दी। हालांकि इनकी बातों पर सोशल मीडिया यूजर्स के लिए यकीन कर पाना मुश्किल हो गया। उन्हें कई लोगों ने तो झूठा तक कह दिया
कांस 2022 में उर्वशी रौतेला ने रेड कार्पेट पर शिरकत की थी। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उर्वशी ने बताया कि अमेरिकी एक्टर से मिलना उनके लिए सपना सच होने जैसा था। एक्ट्रेस ने आगे कहा कि मैं तो घबरा गई थी कि लियोनार्डो से तारीफ मिलने के बाद शब्द भी कम पड़ गए थे, भावुक हो गई थी मैं और मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। वो आगे बताती हैं कि साथ ही मैं शर्मा भी रही थी, उन्होंने मेरी तारीफ एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस के तौर पर की। वाकई में क्या ऐसा हुआ था, क्या मैं सपना देख रही थी खूबसूरत पलों के बारे में? उनके दावों पर सोशल मीडिया यूजर्स को यकीन नहीं हुआ। एक यूजर ने लिखा, वाकई में मैं उर्वशी रौतेला की तारीफ करता हूँ क्योंकि उन्हें इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं कि वो झूठ बोल रही है, सिर्फ वो झूठ बोल रही है। तो ऐसे ही बॉलीवुड की चटपटी खबरों के लिए आप देखते रहिए बॉलीवुड गपशप और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।